नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जनपद मुजफ्फरनगर में मिशन रोजगार अभियान के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में वृद्ध रोजगार मेला एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन श्री राम कॉलेज के परिसर में किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए वृद्ध रोजगार मेले में तकरीबन 6000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया। इस अवसर पर 56 कंपनियों ने जनपद के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया, जिसमें 22 कंपनियाँ मुजफ्फरनगर एवं 34 कंपनियाँ अन्य राज्यों से रोजगार मेले में सम्मिलित रहीं। इस मौके पर 3328 अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न पदों पर कार्य करने के लिए चयनित युवाओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर। आज कार्यक्रम लगा रोजगार मेले का आयोजन है, क्या है? आज यहाँ बृहद रोजगार मेले का मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजन किया गया है, जिसमें 70 से अधिक कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और लगभग 8000 से 9000 वैकेंसी के साथ यहाँ पे कंपनीज आई हैं और 10 से 12000 प्रतिभागियों द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया है, अभ्यर्थियों द्वारा जिनके इंटरव्यूज वगैरह किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कई हज़ार संख्या में यहाँ पर इनको रोजगार उपलब्ध होगा। ठीक है, आज ये मुजफ्फरनगर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी की प्रेरणा से युवाओं को रोजगार देने के लिए बृहद रोजगार मेला जो हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास के द्वारा और श्रम एवं स्वयोजन विभाग उसके द्वारा आयोजन हुआ। इसमें लगभग 70 कंपनियों ने, राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भाग लिया है। लगभग 10,000 युवाओं ने, युवतियों ने यहाँ पंजीकरण कराया। लगातार उनका पंजीकरण होकर के उनको रोजगार देने का काम हो रहा है। माने प्रधानमंत्री, माने मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं कि युवा स्वावलंबी हों और स्वावलंबी होकर केवल नौकरी करने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले बने, यानी एंटरप्रेन्योर बने। उसके लिए व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास, यानी वो उनमें हुनर हो, स्वावलंबी हों, वो प्रशिक्षण लेकर के और लोगों को रोजगार दे सकें और अनेक विभाग कंपनियों में जो राष्ट्रीय स्तरीय कंपनियां हैं उनके अंदर भी रोजगार कर सकें, उनको अच्छी जॉब मिल सके, उसी का प्रयास था। श्रीराम कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ है और लगभग 10,000 पंजीकरण यहां पर हुए हैं। मुझको लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास ये हमारे विभाग की तरफ से हुआ है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के आयोजन होने हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिलने का काम हो सके। मंत्री जी, कार्यक्रम रखा गया लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी कॉलेज का छात्र थे और कोई बाहर से कोई नहीं आया? बाहर जितने भी नहीं, ऐसा नहीं, आप सूची उठा के देखिए, बाहर के काफी पंजीकरण पंजीकरण काफी सारे पंजीकरण जो जिनके जॉब लगे हैं जी। अभी हमने 20 लोगों को सर्टिफिकेट दिया है लेकिन शाम तक सूची आएगी कि कितने युवाओं को रोजगार मिल सका। 8 से 10 हज़ार जो सैलरी है मंत्री जी, इस वक्त महंगाई का देखिए, ये तो कोई पैमाना नहीं है, ये तो पैमाना उसकी योग्यता के ऊपर, कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कंपनी में जॉब किस प्रकार की है और जो युवा है उसका स्किल कैसा है। इसके पर सबसे बड़ी बात यह कि उसको जॉब मिलने का काम हो रहा है, उसके अंदर हुनर होगा, उसके अंदर प्रतिबद्धता कंपनी के प्रति होगी, कंपनी के प्रति डिवोशन होगा, काम करने की हिम्मत और शक्ति होगी तो आगे भी उसको काम करने का मौका मिलेगा। इस विभाग में पहले ही करोड़ों रुपए का घोटाला है, क्या उम्मीद है? कोई घोटाला नहीं है। आपको घोटाला हो तो मुझको बताइए, उसकी हम जाँच करेंगे।